हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये लेसन नंबर 9 है। इसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज है वो होता है अभी चल रहे काम को बताने के लिए। तो जो काम अभी चल रहा है यानी वर्तमान में हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हम कौन कौन सी पहचान होती है। तो जो काम अभी चल रहा है उसे बताने के लिए ही इस टेंस का इस्तेमाल होता है। तो पहचान क्या है, इसके वाक्य में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस पर ये वाक्य ख़त्म होते हैं। तो इसमें भी 6 पार्ट्स हम देखेंगे इस टेंस के। तो कौन कौन से होंगे, जो हमने प्रेजेंट में देखे थे वही हमारे कंटिन्यूस में भी रहेंगे। तो सभी में इंडेफिनिट हो चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी में ये 6 पार्ट होते ही हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेशन हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे होता है बाहर बारिश हो रही है, यानी हमने डिक्लेयर किया है कि ये हो ही रहा है काम। तो पॉजिटिव, बाहर बारिश नहीं हो रही है तो नहीं लग गया, तो ये नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू होता है, क्या बाहर बारिश हो रही है और क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है। फिर डब्ल्यू एस फैमिली में क्वेश्चन की बात करते हैं, बाहर बारिश कहाँ हो रही है और बाहर बारिश क्यों नहीं हो रही है। इस प्रकार से हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ रूल्स जान लेते हैं जो हमें यूज़ करने हैं। तो अभी हो रहे काम को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें सब्जेक्ट, फिर प्लस उसके साथ में इज, एम या आर का यूज़ करेंगे। ये सब्जेक्ट के नाउन पे डिपेंड करेगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ करते हैं और उसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। सेम चीज़ नेगेटिव में रहेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यहाँ पे केवल नॉट का यूज़ हो जाएगा बीच में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का यूज़ होगा। फिर जब हम प्रश्न पूछने के लिए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हम उसके शुरू में होता है कि क्या, अगर क्या है तो क्या कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए जो इज एम आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब इसको हम बोलते हैं, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और फिर अदर वर्ड्स। इसी प्रकार नेगेटिव में इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट। तो मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव के साथ, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। फिर प्रश्न पूछने के लिए ऐसे वाक्य जिसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स आते हैं, तो उनके वाक्य बीच में अगर दिए हैं तो कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या फिर अदर वर्ड्स। तो ये हमने देख लिए इसके कुछ रूल्स। अब हमारे पास एक रूल और है, रूल नंबर 2। इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो जो एम है ये केवल आई के साथ ही लगता है और कहीं इसका यूज़ नहीं होता है। इज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, जैसे ही इज, सी इज, राहुल, राम इज, चाइल्ड इज, ये सारे, इंडिया इज। आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल मुझे बताने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे यू आर, वी आर, दे आर, डॉग्स आर, बर्ड्स आर, चिल्ड्रन आर। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। पहला एग्जांपल है, वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो दे आर अब प्लूरल है, तो आर वेटिंग, वेट माने इंतज़ार करना, और आईएनजी जोड़ देंगे तो वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर यू, ठीक है, या फिर फॉर योर, ये लिख सकते हैं। वे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू, ठीक है। क्या वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर यू।
तो इसमें अभी आर को हटा दीजिएगा सभी में से, ठीक है। यहाँ पे यू ही सफिशियंट है, वे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा क्या वे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे मिस हो गया है, तो आर दे नॉट वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतज़ार कहाँ कर रहे हैं, अब डब्ल्यू एच वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वेयर आर दे वेटिंग फॉर यू, इसको हटा देते हैं आर को, तो वे तुम्हारा इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्यों के लिए वाई होता है, तो वाई आर दे नॉट वेटिंग फॉर यू। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आई के साथ हमने बताया एम यूज होता है, आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, तो वॉच माने देखना, सी माने भी देखना होता है, लेकिन जब हम टीवी देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो फिर हम वॉचिंग यूज करते हैं, यानी कोई चीज़ हम कंटिन्यू देख रहे हैं वो चल रही है। उसके बाद मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, नेगेटिव में आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविज़न, क्या मैं टीवी देख रहा हूँ इंट्रोगेटिव है, तो एम आई वॉचिंग टेलीविज़न, क्या मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो एम आई नॉट वॉचिंग टेलीविज़न इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है ये। मैं टीवी कहाँ देख रहा हूँ, तो वेयर एम आई वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टीवी क्यों नहीं देख रहा हूँ, तो भाई एम आई नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। आप इनकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे बाहर वर्षा हो रही है, तो मैंने बताया था वर्षा के लिए हम इट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्षा होना एक पूरी वर्ब होती है, तो इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर, बाहर वर्षा नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही है, इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा नहीं हो रही है, इज़ इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा कैसे हो रही है, तो हाउ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो यहाँ पे हाउ का यूज़ हो जाएगा, तो बाहर वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो वाई इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल को मिक्स किया है, जैसे रोहित और मैं शिमला जा रहे हैं, तो रोहित एंड आई, तो यहाँ पे दो पर्सन हैं, तो प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, तो रोहित एंड आई आर गोइंग टू शिमला, वे कहीं जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग समवेयर, समवेयर माने कहीं, वे कहीं नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग समवेयर, या फिर दे आर गोइंग नोवेयर, तो अगर हमें नॉट यूज़ करेंगे तो समवेयर का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस में, अगर हम नॉट नहीं यूज़ करेंगे तो फिर नोवेयर का यूज़ होगा, तो नोवेयर का ही पूरा मीनिंग है कहीं नहीं। हम कुछ कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यानी कि एनीथिंग माने कुछ भी और डू माने नहीं कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग नथिंग, तो नथिंग का पूरा मीनिंग है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे नॉट की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से जैसे हमने समवेयर और नोवेयर देखा था, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और आगे एग्जांपल देखते हैं, मैं चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉर द कीज, तो लुकिंग फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में हम देखना चाह रहे हैं कि वो कहाँ है। तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे हो, तो वॉट आर यू लुकिंग फॉर देयर, ठीक है, तो लुकिंग फॉर माने ढूंढना या खोजना, वैसे फाइंड माने भी होता है, लेकिन फाइंड माने होता है कि आप कोई चीज़ को आपको मिल चुकी है, वो मिल गई है। मैं MBA कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग एन MBA, अब देखिए यहाँ पे कोई भी कोर्स की या डिग्री की बात करेंगे तो हम उसके साथ में आर्टिकल एन लगाते हैं, देखिए हमने बताया है कि एम जब हम बोल रहे हैं तो ए का साउंड बन रहा है, ये देखिए अब हिंदी में ए, इसलिए यहाँ पे हमने वॉवल साउंड है, तो यहाँ पे हमने एन का यूज किया है, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, तो किसी भी डिग्री के साथ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कैंसर दिन प्रतिदिन फैल रहा है, कैंसर इज स्प्रेडिंग डे बाई डे, डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन, स्प्रेड माने फैलना, स्प्रेडिंग फैल रहा है, वह मुझे भ्रमित कर रहा है, तो ही इज़ कन्फ्यूजिंग मी, तो कभी कभी आपको देखने में बहुत टफ लगता है, तो भ्रमित का मतलब है कन्फ्यूज करना, कन्फ्यूजिंग मी, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, अब ये थोड़ा सा पैसिव वॉइस में चला गया लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, तो यानी कि आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, तो मुझे कोई कंफ्यूज कर रहा है या मैं भ्रमित हो रहा हूँ, तो हम गेट का यूज़ करते हैं, ये एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, तो इसको हम आगे और वीडियो में
अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा गेट के लिए, तो कैसे यूज करते हैं देखेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। वर्षा रुक रुक कर हो रही है। अब देखिए, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली, ठीक है, तो रुक रुक कर होना यानी कंटिन्यूअली, यानी फिर हुई, फिर रुक गई, फिर थोड़ी देर हुई, तो कंटिन्यू चल रही है। क्या बाहर बूंदाबांदी हो रही है? इट इज़ ड्रिजलिंग आउटसाइड। तो ड्रिजलिंग माने होता है बूंदाबांदी, ठीक है, जब टिप टिप होता है पानी। क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो आर यू फीलिंग हंग्री। अब यहाँ पे भूख की बात हो रही है, तो भूख एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो लगने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फीलिंग। फील माने क्या आप भूख को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। क्या उसे प्यास लग रही है? इसी प्रकार इज ही फीलिंग थर्स्टी। थर्स्टी माने प्यास। वह तुम्हें देख रही है, तो सी इज़ लुकिंग एट यू। तो किसी की तरफ देखना या घूरना, पहले भी हम देख चुके हैं, तो स्टेयर माने घूमना या लुकिंग माने देखना, तो किसी की तरफ देख रहे हैं तो लुकिंग एट की हम बात करेंगे, और किसी चीज़ के लिए हम देख रहे हैं तो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो लुकिंग फॉर हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेजेस हैं। तुम उसे क्यों घूर रहे हो? देखिए वही चीज़ आ गई, वाई आर यू स्टेयरिंग एट हर। तो स्टेयर माने होता है घूरना। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ज़्यादातर वही एग्जांपल दिए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और यूज़ करते हैं, ताकि आपका इंग्लिश और अच्छे से इम्प्रूव हो सके। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। अब देखिए इसमें क्या है, समवन हमने किसी के लिए यानी कोई, उसके लिए समवन यूज़ किया है। खटखटाना के लिए होता है नॉक, तो नॉकिंग। एट द डोर यानी दरवाजे पर कोई है, कोई खटखटा रहा है, ठीक है। तो एट द डोर यानी प्लेस की बात हो रही है। क्या उसे नींद आ रही है? तो इज़ ही फीलिंग स्लीपी। तो स्लीपी यानी नींद, तो आ रही है तो महसूस करना होगा, यहाँ पे फीलिंग यूज करेंगे। उसे नींद क्यों नहीं आ रही है? तो वाई इज़ ही नॉट फीलिंग स्लीपी। क्या चोर चोरी कर रहे हैं? तो आर द थीप्स स्टीलिंग। स्टील माने चोरी करना, थीप माने चोर, और एफ़ की जगह पे वी एस लग जाता है तब प्लूरल बन जाता है। ये रूल में सिंगुलर प्लूरल नाउन में पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो ज़रूर देखें, ताकि आपको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन अच्छे से कंप्लीट हो सके। तुम शोर क्यों कर रहे हो? तो वाई आर यू मेकिंग ए नॉइज़। तो मेक ए नॉइज़ माने शोर करना या शोर मचाना, यहाँ पे ING फॉर्म यूज हो रहा है, तो मेकिंग ए नॉइज़। तो दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए डे बाई डे, और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। जब मेहनत करते हैं, आप देखते हैं, कुछ सीखते हैं, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, जो लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश थोड़ा सा, ठीक है, उनको बहुत कठिन लगता है, तो ये कोर्स पूरा सीरीज है, आप देखिए, बिल्कुल फ्री है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, और कुछ नए वर्ड्स या एडवर्ब के साथ मैं लेके आऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप नए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू।